हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वसीम खान और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेट करता है मुस्लिम सक्सेशन से कि इस्लाम में विरासत के क्या उसूल है। हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में और स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई मुस्लिम मेल की डेथ हो जाती है, अगर कोई मुस्लिम मर्द है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ होने के बाद अगर उसके बच्चे मौजूद हैं, बेटे और बेटियां, और साथ ही साथ उसकी वाइफ और उसका फादर, उसके वालिद उसके अगर मौजूद है, तो किस तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टी है जो उसने छोड़कर गया है वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों में, उसकी वाइफ में और उसके फादर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी इस्लामी कानून के हिसाब से, मुस्लिम सक्सेशन के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी किसी मर्द की, मेल की अगर डेथ हो जाती है और उसके पीछे अगर उसके सन और डॉटर है, तो उसकी प्रॉपर्टी मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन यानी मुस्लिम के जो विरासत के कानून है उसके हिसाब से उनके सन और डॉटर में, मतलब बेटे और बेटी में प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। देखिए, ये एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है। अब डेथ होने के बाद फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, उसकी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि उसकी 100 रुपये की प्रॉपर्टी है। अब इसी को हम, इस प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपये भी कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपये भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, जितनी चाहे हम उतनी प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इस पर्सन की डेथ हो गई और उसने अपने पीछे 100 रुपये की प्रॉपर्टी अगर छोड़ा और उसके फॉर एग्जाम्पल 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है आपको कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उसके पीछे उसने छोड़ा है, 100 रुपये की अगर उसकी प्रॉपर्टी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी इन लड़कों और लड़कियों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन जो मुस्लिम के विरासती कानून है उसके हिसाब से इनको प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी हम देखेंगे। तो हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन में, मुस्लिम के जो विरासती कानून है, कुरानिक हेयर्स में ये आते हैं ये, और कुरान में ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि जब कभी भी सन और डॉटर की बात आती है, बेटा और बेटी जब प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है उनको, तो बेटे को डबल राइट है और बेटी को सिंगल। तो यहाँ पर 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, तो 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को डबल मिलेगा, यानी जो भी प्रॉपर्टी है ये 10 हिस्सों में तकसीम होगी और सन को 2-2 हिस्से मिलेंगे और डॉटर को 1। तो अगर सन को 2 हिस्से देके हमने, तो 10 अगर फॉर एग्जाम्पल 4 सन हैं तो उनके 8 हिस्से हो जाएंगे और 2 डॉटर के 2 हिस्से, मतलब टोटल पार्ट हो गए, टोटल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी 10 पार्ट में, 10 हिस्सों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर लड़के को 2-2 हिस्से मिलेंगे और लड़की को 1-1। तो अगर 100 रुपये को हमने 10 में डिवाइड किया तो 10 रुपये आते हैं, और अगर 2 हिस्से हम अगर सन को दिए तो हर सन को 20-20 रुपये मिलेंगे और डॉटर को 10-10 रुपये। अगर फॉर एग्जाम्पल यही प्रॉपर्टी को हम अगर 1 लाख में अगर कर दिए तब क्या होगा, 20-20 हज़ार सन को मिलेंगे और 10-10 हज़ार डॉटर को मिलेंगे। लाइकवाइज जितनी प्रॉपर्टी है हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटे और बेटियों में। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब कभी भी बेटे और बेटियों में प्रॉपर्टी तकसीम होगी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा, तो लड़के को डबल शेयर मिलेगा, लड़की को सिंगल। जैसा हम इस इमेज में देख रहे हैं कि लड़के को 20 रुपये मिले हैं, लड़की को 10 रुपये, तो जितना शेयर लड़के को मिल रहा है उससे आधा शेयर लड़की को मिलेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सपोज अगर ये पर्सन की डेथ हो गई और ये सारे पर्सन हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन की डेथ हो गई, 100 रुपये उसने प्रॉपर्टी छोड़ा पीछे और साथ ही साथ उसने पीछे उसकी वाइफ भी छोड़ा है और फादर भी है और साथ ही साथ उसके सन और डॉटर भी है। तो ये इमेज में हम देख रहे हैं कि जिस पर्सन की डेथ हो गई, जिसकी वफात हो गई, उसने पीछे उसकी वाइफ भी छोड़ा,
उसका फादर भी है मरने वाले का और उसके चार लड़के और दो लड़कियां भी है। अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? प्रॉपर्टी वही है 100 रुपये। हम चाहे एग्जाम्पल 10 लाख का ले, 1 करोड़ रुपए का ले, 1000 रुपए का ले, मैंने समझने के लिए 100 रुपये प्रॉपर्टी को यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कुरानिक हेयर्स का कंसेप्ट है और कुरानिक हेयर्स में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई मेल पर्सन, अगर कोई मर्द की मौत होती है तो मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से अगर उसकी वाइफ पीछे है और वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे हैं तो वाइफ को 1/8 शेयर मिलता है। 1/8 मतलब कितना हो गया? 100 रुपये का 1/8 हो गया 12 रुपये 50 पैसे। तो वाइफ का शेयर कितना हो गया यहाँ पर? 100 रुपये में से वाइफ को मिलेगा 12 रुपये 50 पैसे। ये वाइफ को पहले हम शेयर अलॉट कर देंगे क्योंकि पहले जो कुरानिक हेयर्स है पहले उनको शेयर उनका स्पेसिफिक दिया जाता है और जो प्रॉपर्टी बचेगी उनके बाकी शेयर बाकी बच्चों में तकसीम होगी। तो यहाँ पर मरने वाले के वाइफ को 1/8 मतलब 12.5 रुपये उसका हिस्सा बनेगा और मरने वाले का अगर फादर जिंदा है यानी उसका वालिद अगर हयात है, फादर अगर जिंदा है तो उसको अब शेयर है 1/6 यानी जो भी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर 100 रुपये प्रॉपर्टी है तो 100 रुपये का 1/6 यानी छठा हिस्सा, तो छठा हिस्सा कितना हो रहा है? 16 रुपये 66 पैसे। तो 16 रुपये 66 पैसे हमने किसको दे दिए? फादर को दे दिए। मतलब 12.5 रुपये 100 में से गए वाइफ को, उसके बीवी को मरने वाले के, और 16 रुपये 66 पैसे गए उसके वालिद को, उसके फादर को मरने वाले के। अब जो देखिए अब यहां पर क्या हो गया, 12 रुपये 50 पैसे प्लस 16 रुपये 66 पैसे मतलब टोटल हमने 29 रुपये 16 पैसे हमने वाइफ को और फादर को दे दिया। अब अगर 29 रुपये 16 पैसे हमने 100 रुपये में से माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं 70 रुपये 84 पैसे। तो 70 रुपये 84 पैसे अब क्या होगा, ये सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सन और डॉटर में कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 70 रुपये 84 पैसे। हमने ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में देखा कि सन को 2 हिस्से मिलेंगे, डॉटर को 1। तो यहां पर 4 सन है तो मतलब उनके 2-2 हिस्से अगर हमने कैलकुलेट किए तो 8 हिस्से सन के हो रहे और 2 हिस्से डॉटर के। मतलब 70 रुपये 84 पैसे को हम डिवाइड करेंगे 10 हिस्सों में तो वो हो रहा है 7 रुपये 7.84 पैसे। तो ये हो रहा है 1 हिस्सा। तो हम सन को कितना दे रहे हैं? डबल दे रहे हैं। तो सन को कितना हो गया यहाँ पर? 14 रुपये 168 पैसे ये सन का शेयर रहेगा। मतलब जो 70 रुपये 84 पैसे बचे उसमें से हर सन को मिलेंगे 14 रुपये 168 पैसे और हर डॉटर को मिलेंगे 7 रुपये 84 पैसे। तो ये डॉटर का मतलब जितना डॉटर को शेयर मिल रहा है उससे डबल सन को मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है वो पहले कुरानिक हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मरने वाले की वाइफ है हमने उसको दे दिया पहले 12.5 रुपये, फादर है फादर को दे दिया हमने 16 रुपये 66 पैसे और जो प्रॉपर्टी बच गई हमने 10 हिस्सों में तकसीम किया, 2-2 हिस्से सन को दिया और 1 हिस्सा हमने डॉटर को दिया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मरने वाले की वाइफ नहीं है, फादर नहीं है, सिर्फ उसको बच्चे ही है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों में तकसीम होगी, सन को डबल मिलेगा, डॉटर को सिंगल। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स द सन एंड डॉटर, मतलब सन और डॉटर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी, ये अभी हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और अगर आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से आप समझ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिसके वजह से सारे लोग इससे अवेयर हो कि विरासत के कानून इस्लाम में क्या है। Thank you.